हेलो दोस्तों, ऑल इन वन टीईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के माध्यम से अगर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स जैसे बीएड हो गया, बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, एमएड हो गया, एमएससी एमएड की कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, और आप सभी अभ्यर्थियों के द्वारा मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स मिले हैं कि सर सीट्स बताइए कि किस में कितना सीट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को फुल अपडेट देने वाला हूँ सीट के बारे में, और साथ में आपकी एडमिशन होगी तो आपका पढ़ाई कहाँ पे होगा, किस कॉलेज में पढ़ाई होगा, इसके बारे में मैं अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूँ कि ये जो सीट है पूरे ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत के लिए सीट है, और सीट मैट्रिक्स भी दिया गया है यानी कि किस रीजन में कितने सीट है, साथ में उस रीजन के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं और उस राज्य में से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होकर जाएंगे, वो सारी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को मैं फुल अपडेट देने वाला हूँ। बीएड से लेकर एमएड तक के बारे में। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि थोड़ा भी आप मिस ना करें। तो नीचे में दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसमें जो सीट है दोस्तों देख सकते हैं सीट्स अवेलेबल फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड के लिए जो सीट है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कि ये सेंटर है दोस्तों, देख सकते हैं अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग, आपकी एडमिशन होती है तो आपकी पढ़ाई यहीं पर होगी, यहीं पे कॉलेज है, सारी फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, यहीं पे आपको रहना होगा, यहीं पे आपको पढ़ना होगा, और यही केंद्र है मतलब कॉलेज का केंद्र आपका यही है। उसके बाद सीट्स की हम बात करें तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि साइंस और मैथ ग्रुप के कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों देख सकते हैं अजमेर में 50 सीट है, और जो सोशल साइंस और लैंग्वेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 50 है, भोपाल में 40 और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ भी 40, भुवनेश्वर में साइंस मैथ के लिए 50 और सोशल साइंस के लिए 50, मैसूर में 25 साइंस और मैथ्स के लिए हैं और सोशल साइंस के लिए 25 सीट है, और दोस्तों देख सकते हैं कि शिलोंग में साइंस वाले स्टूडेंट और मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 25 सीट है और सोशल साइंस के लिए 25 सीट है। दोस्तों, ये जो सीट आपको दिखाई दे रही है हर रीजनल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जो राज आते हैं उनको सीट अलग अलग अलॉट किया गया है, मैं उसको भी दिखाने वाला हूँ कि अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, कहीं से भी हैं तो आपके राज्य में कितना सीट अलॉट हुआ है एडमिशन के लिए यानी कि आपके राज्य से कितने बच्चों का एडमिशन होगा मैं बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो तक अंत तक देखते रहिएगा ताकि पूरी अपडेट आपको मिले। अब हम बात करते हैं बीए बीएड, ये जो है इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए है। सीट्स यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर में 50 सीट है, भुवनेश्वर में 50 सीट है, भोपाल में 40 सीट है, मैसूर में 40 सीट है। जो लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं बीए के साथ बीएड करना चाहते हैं इसी को इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, और ये जो होती है 4 वर्ष की कोर्स है जिसमें बीएड के साथ साथ बीए भी आपका कंप्लीट हो जाता है। बीएससी बीएड ये भी इंटर पास जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए है, और ये भी 4 साल में ये कोर्स जो है कंप्लीट होगी। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सीट अवेलेबल जो कि है बीएससी बीएड के लिए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ अजमेर में 50 सीट है फिजिकल साइंस ग्रुप के लिए और बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप के लिए 50, भुवनेश्वर की हम बात करें तो भुवनेश्वर में भी 50 फिजिकल साइंस
के लिए है और बायोलॉजिकल साइंस के लिए 50, भोपाल में 40, यहाँ भी दोस्तों देख सकते हैं 40, मैसूर में 40 और यहाँ भी है 40। उसके बाद हम एमएड की हम बात करते हैं, तो एमएड के लिए जो सीट अवेलेबल है दोस्तों देख सकते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर यहाँ पे 30 सीट है, भुवनेश्वर में भी 30 सीट है और भोपाल में भी 30 सीट है और मैसूर में भी 30 सीट है। दोस्तों आपकी एडमिशन होती है तो यहीं पे आपको रहना पड़ेगा, यहीं पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। साथ में दोस्तों हर राज्य को अलग अलग सीट अलॉटेड है, जैसे जो रीजनल आप क्षेत्र देख रहे हैं अजमेर, इसके अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं उसमें सीट अलग अलग अलॉट किए गए हैं, जो मैं वीडियो के अंत में भी बताने वाला हूँ। एम एस सी हम बी एड की हम बात करते हैं तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं सीट अवेलेबल जो है एम एस सी बी एड प्रोग्राम के लिए मैसूर में दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट मतलब फिजिक्स के हैं एम एस सी बी एड करना चाहते हैं तो इनके लिए 15 सीट है, केमिस्ट्री के लिए 15 और मैथ्स के लिए 15 कुल सीट हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है उसके दबा दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, जितने भी आप रीजनल इंस्टीट्यूट देखे हैं उसके अंतर्गत जो राज आते हैं मैं उसको दिखाने वाला हूँ और उसके अंतर्गत राज्य के अंतर्गत जो सीट अलॉट किया गया है हर कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, सब मैं इसमें दिखाने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अजमेर जो कि रीजनल सेंटर है और यहां पर जो सीट मैट्रिक्स है दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, ये जो सीट मैट्रिक्स है बीएससी बीएड प्रोग्राम के लिए, और आप जानते हैं कि यहाँ पर फिजिकल साइंस के लिए कुल 50 सीट है और बायोलॉजिकल ग्रुप के लिए कुल 50 सीट है। और यहीं पे दोस्तों देख सकते हैं बीएड के लिए साइंस और मैथ ग्रुप के लिए कुल 50 सीट है और सोशल साइंस के लिए कुल 50 सीट है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि सीट की संख्या है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अजमेर के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये राज्य हैं अजमेर के अंतर्गत और यहाँ पर सीट की संख्या है और ये सीट जो अलॉट हुआ है राज्य के जनसंख्या के आधार पर अलॉटेड है। आप जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ पर सबसे अधिक सीट उसी को मिला हुआ है। अब 25 सीट उत्तर प्रदेश को मिला है, इसमें से 11 सीट जनरल को, ओबीसी को 7, एससी को 4 और एसटी को 2। इसी तरह आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किस राज्य को कितना सीट अलॉट हुआ है, कैटेगरी वाइज भी यहां पर दिया गया है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर है बीए बीएड जिसमें 50 सीट है और इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं दोस्तों देख लें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर है चंडीगढ़। तो यहाँ पर देख सकते, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं पूरी सीट दी गई है और जनरल, बी सी, एस सी, एसटी का सीट जो है यहाँ पर निर्धारित है। तो दोस्तों आप नीचे में अभी आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएड प्रोग्राम जो कि 2 वर्ष के लिए है और यहाँ पे भी राज्य निर्धारित है यहाँ पे और यहाँ पे भी है, आप देखते जाइए, हम इतना बताना संभव नहीं है। अब एमएड प्रोग्राम की हम बात करते हैं जो कि अजमेर के अंतर्गत आता है, तो अजमेर के अंतर्गत दोस्तों देख सकते हैं कि ये सभी हैं और इनका सीट है, आप जो हैं स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। वहीं पे हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में भी
जो बताई गई है वो भोपाल के अंतर्गत जो राज्य है दोस्तों देख सकते हैं महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, गोवा है, दमन दीव है, दादर नगर हवेली है और यहाँ पे पीएच का सीट है। तो ये जो सीट है अलॉटेड है। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट इसको लेते चलें। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर की सीट मैट्रिक्स। तो हम लोग जो हैं बिहार के स्टूडेंट जो हैं जो भुवनेश्वर के अंतर्गत आते हैं, तो भुवनेश्वर में दोस्तों देख सकते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं इसके अंतर्गत, रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर के अंतर्गत उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और यहाँ पर जो है आपका एनई और एनए। इसको देख ले दोस्तों आप उड़ीसा में जो पीसीएम का जो सीट है दोस्तों आप सभी देख सकते हैं 13। इसी तरह आप बीएड के लिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आर्ट्स वर्ग के लिए 16 सीट है, साइंस वर्ग के लिए 16 सीट है। बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार में दोस्तों देख सकते हैं साइंस ग्रुप के जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो 9 सीट है। और यहाँ पर है बीए जो करना चाहते हैं बीएड के साथ तो उन लोगों के लिए 9 सीट है। और आर्ट्स कैंडिडेट के लिए जो 2 वर्ष का बीएड कोर्स है बिहार से 11 कैंडिडेट सेलेक्ट होकर जाएंगे, साइंस से भी 11 सेलेक्ट होकर जाएंगे। एमएड में एडमिशन के लिए 5 स्टूडेंट यहां से सेलेक्ट होकर जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहां कि कंपटीशन जो है बिल्कुल हाई है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका लिंक जो है मैं नीचे में प्रोवाइड कर दूँगा, आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह मैसूर का है, आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हर राज्यवाई जो है अलग अलग सीट का निर्धारण किया गया है। शिलोंग के अंतर्गत दोस्तों देख सकते हैं ये सीट अलॉटेड है। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आप रीजनल सेंटर में पढ़ना चाहते हैं यानी कि प्योर टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप यहां से ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको दबा दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।